वीडियो हम लोग बात करेंगे द फाउंटेन, मतलब कि जो इंग्लिश में पोएट्री पोर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने की बात करेंगे। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुशवाहा और आप देख रहे हैं अनिल स्टडी सेंटर। यदि आपने अभी इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो द फाउंटेन चैप्टर है और जो तीन चैप्टर और हैं उन्हीं के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा हैं उन्हीं की बात करेंगे, जो लगभग एग्जाम में 99% आते हैं। तो चलिए दोस्तों, उनको देख लेते हैं हम लोग। तो जो द फाउंटेन चैप्टर से स्टैंजा बनते हैं, पहले हम आपको उनको दिखा देते हैं। तो पहला जो स्टैंजा वो स्टैंजा नंबर 2 है, इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो दोस्तों, ये जो स्टैंजा है ये लगातार 8 सालों से आ रहा है आपके एग्जाम में। जो क्वेश्चन है ये आपको क्वेश्चन देख लेने हैं। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट स्टैंजा इस चैप्टर का उसकी बात कर लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो स्टैंजा नंबर है 5, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट। तो दोस्तों, ये रहा दूसरा स्टैंजा जो इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए तीसरा की बात कर लेते हैं। जो तीसरा है, तो तीसरा जो स्टैंजा है वो है यहाँ पर कि ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हर्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। तो दोस्तों, ये तीन जो स्टैंजा हैं पहले चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर के, द प्रजाल्म ऑफ लाइफ, इसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो इनके पोएट्स होते हैं उनके, आप जो इनके कवि होते हैं उनके नाम आप जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैंजा की। तो पहला स्टैंजा जो है, तीसरा नंबर स्टैंजा है, नॉट इन्जॉयमेंट एंड नॉट सॉरो इज अवर डेस्टाइंड एंड और वे, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो इस चैप्टर का है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है 5 नंबर, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हर्ट फॉर एनी फेट स्टिल अचीविंग स्टिल परसुइंग लर्न टू लेबर एंड टू वेट। दोस्तों, ये था दूसरे चैप्टर का, दो जो मैंने बताए इनमें दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा, इनको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, द विलेज सॉन्ग, जो सरोजिनी नायडू द्वारा, जो कवि हैं इनकी, कवित्री हैं वो सरोजिनी नायडू हैं। चलिए दोस्तों, इसके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो पहला स्टैंजा है वो है हनी चाइल्ड विदर आर यू गोइंग, वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रीन हैज फेड यू, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। दोस्तों, ये तीसरे चैप्टर का पहला था। तो दोस्तों, इस चैप्टर, ये नया चैप्टर आपके एग्जाम इस बार आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है, तो यही जो स्टैंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो लास्ट चैप्टर है द नेशन बिल्डर्स, इसके जो कवि हैं वो हैं आर डब्ल्यू एमर्सन। दोस्तों, इसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टैंजा हैं उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टैंजा जो है वो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा कि दूसरा नंबर स्टैंजा है, ब्रेव मैन हु वर्क वाइल अदर स्लीप हु डेयर वाइल अदर फ्लाई दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप एंड लिफ्ट देम टू स्काई। दोस्तों, ये इसमें दो पैसेज हैं, दो स्टैंजा दिए गए हैं इस चैप्टर में, ये यही है जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, ये मैंने आपको स्टैंजा बताया जो इस चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पोएट्री पोर्शन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने थे। और जो क्वेश्चन के दिए गए हैं, तो किसी किसी बुक में अन्य क्वेश्चन भी थोड़े एक दो जोड़ देते हैं, तो आपको बुक से थोड़ा देख लेना है और अन्य क्वेश्चन बैंक से देख लेना है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको यही बताना था। तो जो दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा सेंट्रल आइडिया से, जो सेंट्रल आइडिया आता है तो उसको आपको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।